कोयना मित्रा ने क्यों की आसिम रियाज के माता पिता की तारीफ। आसिम की तारीफ करते हुए कोयना ने क्या कहा। कोयना ने क्यों कहा बिग बॉस मेकर्स को बायस। क्या सिड को फिक्स्ड विनर बता रही है कोयना। तो आइए जानते हैं, एक्स बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट कोयना मित्रा अक्सर मेकर्स और सलमान खान पर निशाना साधती रहती है। एक्ट्रेस इन दिनों आसिम रियाज के गेम से काफी प्रभावित नजर आ रही है। कोयना ने ट्वीट कर आसिम रियाज और उनके पेरेंट्स की तारीफ की है। कोयना मित्रा ने कश्मीरी फैन आसिम रियाज फैन क्लब का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आसिम के घर वालों संग लड़ाई दिखाई गई है। इस वीडियो को शेयर एंड उस वीडियो पर कमेंट कर कोयना ने आसिम का सपोर्ट करते हुए लिखा, मैं आसिम के पेरेंट्स को बधाई देती हूँ, आप लोग सफल हो गए, आपने एक सुपरमैन को बड़ा किया है। एंड फैन क्लब ने इसी वीडियो को कैप्शन दिया एज #scriptedbigboss13 और #biasedbigbosstargetsasim। बता दे बिग बॉस सीजन 13 पर कई सेलेब्स बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं। शो को जितनी सफलता मिल रही है उतने ही सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रोलर्स का कहना है मेकर सीजन 13 का विनर सिद्धार्थ को ही बनाएंगे। शो में अक्सर सिद्धार्थ को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं। घर वालों का ये भी मानना है कि सिद्धार्थ को उनकी हरकतों के लिए पनिश नहीं किया जाता। कोयना मित्रा का बिग बॉस का सफर स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में ही समाप्त हो गया था। कोयना ने जब शो में एंट्री की थी तो वो स्ट्रॉन्ग लेडी लगी थी, लेकिन शो में वो ज्यादा खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाई, इस वजह से जल्दी आउट हो गई। बेघर होने के बाद कोयना ने मेकर्स और सलमान खान को लताड़ते हुए कई ट्वीट्स किए थे। ये भी एक वजह रही कि कोयना को बतौर वाइल्ड कार्ड शो में नहीं बुलाया गया। तो व्यूवर्स, क्या आप सहमत हो कोयना के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर? डू लेट अस नो योर व्यूज ऑन द सेम। तब तक स्टे ग्लूड विद अस फॉर न्यूज़ गॉसिप्स एंड मच मोर।